आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप सभी के दिमाग हिल करके रह जाएगा। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे जो बात मैं बोलने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनु सिंह फिर से आप सभी को फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस में हो, कितनी उम्र में वो जॉब में जाता है या बिजनेस में जाता है, एक मान के चलते हैं कि 30 साल के उम्र में कोई व्यक्ति जॉब में जा रहा है या कोई बिजनेस शुरुआत कर रहा है, तो वो अगले कितने साल तक वो जॉब कर पाएगा या बिजनेस कर पाएगा। एक आयु हम लोग मान के चलते हैं कि 60 साल के आयु में लोग रिटायर कर जाते हैं, 30 साल तक या तो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। एक मिडिल वर्ग, एक साधारण व्यक्ति अपने बिजनेस से महीने में कितना इनकम करता होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक एवरेज जो है मंथली किसी भी बिजनेस से या जॉब में, अगर कोई जॉब में है तो एक एवरेज, अगर हम मान के चले किसी का ऊपर किसी का नीचे, एक एवरेज मान के चले तो कितना इनकम होता होगा? हम एक एवरेज मान लेते हैं 50,000 रुपया। दोस्तों, अब अगर हम प्रत्येक मंथ किसी भी बिजनेसमैन का इनकम, जो कि अपने बिजनेस में 12 घंटे देता है, या फिर किसी जॉब वाले का इनकम, एवरेज इनकम 50,000 मान लेते हैं जो 10 से 12 घंटे देता है, 50,000 पर मंथ है, तो एक साल में उनका इनकम कितना हो जाएगा? तो 50,000 और × 12 कर लेंगे तो लगभग जो है 6 लाख रुपया आपका इनकम होता है। कितने में? एक साल में। अभी आपकी उम्र 30 साल है, 60 साल तक करेंगे, अर्थात 30 साल तक नौकरी या जॉब करेंगे या फिर बिजनेस करेंगे, तो एक साल का इनकम 6 लाख, तो 30 साल का इनकम 1,80,00,000 रुपया हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। 2 करोड़ मान के चलते हैं कि अर्थात आप पूरे 30 साल या जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं जिसमें आप 10 से 12 घंटा समय देते हैं, आप पूरे 30 साल में लगभग जो है 2 करोड़ रुपया इनकम करते हैं। उस 2 करोड़ में आप अपने खुद पे खर्च करते हैं, आप अपने परिवार पे खर्च करते हैं, बीवी पे, बच्चे पे, माता पे, पिता पे, इन सभी पे आप खर्च करते हैं उस 2 करोड़ में। उसी 2 करोड़ में आप अपनी, आपकी कोई अगर पुत्री है, बेटी है, उस पे आप शादी ब्याह में खर्च करते हैं, घर बनाने में खर्च करते हैं, गाड़ी घोड़ा में खर्च करते हैं, वो 2 करोड़ एक एवरेज हम लोग मान के चलते हैं। किसी का आमदनी ज्यादा होता है, किसी का आमदनी कम होता है, ये मान के चलते हैं कि 2 करोड़ इनकम होता है। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। दोस्तों, आप डायरेक्ट सेलिंग में पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लीडर 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल से काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे या आप डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे लीडर आप देखेंगे जो 2 से 5 साल के अंदर, 2 से 5 साल के अंदर 10-10 करोड़ रुपया जो है इनकम कर चुके हैं, जिनकी मंथली इनकम, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम जो है 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में है डायरेक्ट सेलिंग।
तो अब आप सोच लीजिए कि आपने 30 साल मेहनत किया तब जाकर के आप एक 2 करोड़ रुपया इनकम कमा पाए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आप बहुत सारे लीडर्स को देखोगे जो पहले साइकिल से चलता था, ऑटो से चलता था, बाइक से चलता था, आज मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से चलता है। एक मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू का कीमत लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में होता है, अर्थात 1 करोड़ की गाड़ी पे वो घूमता है। तो इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो है आय कितना हो गया होगा। आप ये भी जरूर उनसे पूछिएगा कि आप कितने साल से डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्रीज में हैं। लगभग आपको वो 5 से 6 साल की इंडस्ट्रीज में बताएंगे कि हम इस इंडस्ट्रीज में 5 से 6 साल के बीच में हम जो है इस इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप जहां पर 30 साल में नहीं कमा पाए, ये डायरेक्ट सेलर एक जो है 5 से 6 साल के अंदर जो है वो इनकम कर लेते हैं। ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की सच्चाई। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम फ्रीडम मिल जाए, मनी फ्रीडम मिल जाए, अच्छा मान सम्मान मिले, तो वो सारा चीज आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज देता है। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आने के लिए अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग, आप लोग सोचते होंगे कि भाई चलो इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि बिजनेस में आप अगर ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता होगा। कोई जो है 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस करता है, कोई 10 लाख लगा के बिजनेस करता है, कोई 50 लाख लगा करके जो है बिजनेस करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं जिसमें आप 30 साल जो जॉब या बिजनेस से ट्रेडिशनल मार्केट में करके नहीं कमाते हैं, यहां पर 5 से 6 साल में उतना ही अगर आप समय दे देते हैं तो 5 से 6 साल के अंदर जो है आपका उतना इनकम पहुंच जाता है। तो अब यहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या क्या खर्च है, हमें क्या क्या जो है यहां पर इन्वेस्ट करना पड़ा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आपका इन्वेस्टमेंट 0 है। सोच लीजिए, यहां पर जो है आपका इन्वेस्टमेंट 0 है, अर्थात खोने के लिए कुछ नहीं है। और अगर जितना आप अपने ट्रेडिशनल मार्केट में मेहनत करके समय देते हैं या जॉब में समय देते हैं, दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में उतना आप समय दे देते हैं, तो पाने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ है कि आप अकेले 7 पुश्तों तक के जो है ना कमा करके रख देंगे, और आप जो है कमा के रखेंगे 7 पुश्त बैठ करके खाएगा, इतना इनकम आप यहां से कर पाएंगे। सिर्फ इनकम के ही बात नहीं करते हैं, इनकम तो बहुत लोग कर लेता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जो मान सम्मान आपको मिलता है, आप जाते हैं सैकड़ों हजारों लाखों लोग आपको जो है आपसे परिचित होते हैं कि देखिए ये सर आ गए, फूल माला आपको पहनाते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आप फेसबुक लाइव आते हैं या यूट्यूब लाइव आते हैं, हजारों लोग आपको जो है सुनना चाहते हैं, लाखों लोग आपको सुनना चाहते हैं, ये कहां से आया। दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की खूबी है, ये प्लस पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की। आपको मान सम्मान जो है जितना तेजी से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में मिलता है, आप अगर कहीं जॉब में है, आप अगर कहीं ट्रेडिशनल मार्केट में, वहां पर नहीं मिल पाता है। जो टाइम फ्रीडम आपको मिलता है, क्योंकि यहां पर पैसिव इनकम है, शुरुआती अवस्था में 2 से 3 साल 4 साल आपने अगर मेहनत कर लिया, आपने अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया, एक बार आपका नेटवर्क बिल्ड हो गया तो दोस्तों आप घर भी बैठे रहेंगे फिर भी पैसा आएगा, आप अपनी वाइफ के साथ घूमने जाएंगे, आप अपने बीवी बच्चे के साथ घूमने जाएंगे फिर भी पैसा आएगा, आप रात को सोते रहेंगे फिर भी पैसा आएगा, आप जो है खेलते रहेंगे फिर भी पैसा आएगा, आप हंसते कूदते खाते पीते कभी भी रहेंगे फिर भी पैसा आएगा। यह है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का पावर। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज अगर आप एजुकेट होकर के, मोटिवेट होकर के नहीं, कई बार लोग जो है ना यहां पर मोटिवेट होकर के आ जाते हैं और जिस वजह से जो है यहां इस इंडस्ट्रीज में आकर के वो नेगेटिव हो जाते हैं। आप एजुकेट होकर के आएंगे, अर्थात डायरेक्ट सेलिंग का पावर जिस दिन आपको समझ में आ गया,
आप इस इंडस्ट्री से कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके पीछे होता है, और कोई भी व्यक्ति असफल होता है तो उसके पीछे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। आप अगर कहीं जॉब करते हैं 8 से 10 घंटे का अगर ड्यूटी नहीं देते हैं तो क्या आपके घर में पैसा आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। सेम यही है, ये बिजनेस है, ये प्योर बिजनेस है। यहां पर भी शुरुआत की अवस्था में आपको 2 से 3 साल, जैसे आप अपना जॉब करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, आप अपना बिजनेस समझ करके आप यहां पर काम करने लगते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई पूंजी लगाना नहीं पड़ता है, पूंजी किसी और का होता है, आप यहां पर ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जैसा कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान होते हैं, वैसे ही आप होते हैं दोस्तों। ये ब्रांड एम्बेसडर बन करके जो है आप मान सम्मान पा करके आने वाले टाइम में पैसिव इनकम कमा सकते हैं। ये है डायरेक्ट सेलिंग का पावर। वही लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नेगेटिव होते हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन पता नहीं है, या फिर बहुत सारे ऐसे फर्जी कंपनी है जिसको वो डायरेक्ट सेलिंग समझ लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग समझ लेते हैं। बहुत सारे मार्केट में आपको ऐसी कंपनी मिल जाएगी जो रातों रात आपको करोड़पति बनाने का सपना दिखा देती है। इस वजह से लोग जो है वहां पर नेगेटिव होते हैं और उसका तुलना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से करने लगते हैं, और दोस्तों इस वजह से जो है आप इस इंडस्ट्री से नेगेटिव होते हो। डायरेक्ट सेलिंग का आप पहले एजुकेशन लो, छोड़ो कंपनी मत ज्वाइन करो, आप किताब में पढ़ो, बुक्स में पढ़ो, कहीं यूट्यूब से सर्च मारो डायरेक्ट सेलिंग है क्या, इसका पावर समझो। गवर्नमेंट आज के समय में इसके ऊपर गाइडलाइंस निकाल रखी है, उस गाइडलाइंस को आप पढ़ो, उसके बाद आप डायरेक्ट सेलिंग करो। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का पावर जिस दिन आप समझ में आ गया, डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन जिस दिन आपके अंदर घुस गया, डायरेक्ट सेलिंग में वो पावर है आपको जो दोस्तों आप 30 साल में नहीं कर पाएंगे, यहां पर 5 से 6 साल के अंदर या 2 से 5 साल के अंदर जो है आप इस इंडस्ट्री से कमा लेंगे, और अगले 30 साल में उतना कमा लेंगे जितना कि अदर काम में जो है लोग पुश्त दर पुश्त कमाते हैं, उतना काम आप यहां पर 20 से 30 साल के अंदर कमा के रख देंगे, और आप जो कमा के रखेंगे आपके साथ पुश्त भी बैठ करके खाते रहेंगे। इतना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में इनकम है दोस्तों। ये बिजनेस ऐसा है, बिजनेस जो आप बिना पूंजी लगाए पैन इंडिया ही नहीं दोस्तों, ऑल वर्ल्ड में बिजनेस आपका जो है फैल जाता है, बिना कोई इन्वेस्टमेंट का, बिना कुछ का। ये है सिस्टम का पावर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का पावर है दोस्तों, कि आप घर बैठे पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। प्रोडक्ट देने का काम कंपनी का होता है, एडवर्टीजमेंट का काम कंपनी का होता है, कंपनी जो है आपको प्रोवाइड करवाती है प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचवाती है, शॉपिंग कंपनी खुलवाती है, मतलब सारा का सारा खर्च कंपनी का होता है। आपने सिर्फ यहां पर ब्रांड एम्बेसडर बनके कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में विस्तृत नॉलेज लेकर के लोगों को शेयर करना होता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का पावर। तो जिस दिन आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का पावर समझ में आ गया दोस्तों, आप इस इंडस्ट्री से नेगेटिव हो ही नहीं सकते हैं। इतना दमदार होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और आने वाले समय में दोस्तों हमें पता है कभी भी 100% तो नहीं होता है, लेकिन आने वाले समय में मैक्सिमम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को समझ चुके होंगे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जरूर प्रवेश करेंगे और प्रवेश कर रहे हैं। एक बाढ़ आ चुका है, पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का कोई चर्चा नहीं होता था, लेकिन आज आप यूट्यूब फेसबुक कहीं भी आप ओपन करेंगे वहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का चर्चा हो रहा है। इसका मतलब कि लोग इसमें एजुकेटेड होना शुरू हो चुके हैं, और जब एजुकेटेड हो रहे हैं तो दोस्तों आने वाले टाइम में आपका नेटवर्क इतना बड़ा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का पावर। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को जिस दिन समझ जाएंगे आप जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज से कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। हाँ जी बताइए क्या है। नहीं, वो बंद कर दिया हमने। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का पावर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को आप लोग गहराई से सोचिए, देखिए दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आने से पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है क्या, उसका जो है आप नॉलेज लीजिए। जिस दिन आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का नॉलेज हो गया उस दिन आप कभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज से नेगेटिव नहीं होंगे। तो आज का लाइव मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप डायरेक्ट सेलिंग
इंडस्ट्रीज को जरूर जो है आप सर्च करेंगे, देखेंगे डायटोसिल इंडस्ट्रीज है क्या, क्यों आखिर इसका इतना चर्चा हो रहा है, लोग इसके बारे में क्यों इतना जो है सर्च कर रहे हैं, आखिर पुस्तकों में इतना क्यों आने लगा, गवर्नमेंट को आखिर इसके ऊपर गाइडलाइंस क्यों बनाने पड़ा, ये आप जरूर सर्च करेंगे। और जब गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देने लगी तो समझ लो कि डायटोसिल इंडस्ट्रीज में पावर है दोस्तों, तभी गवर्नमेंट का ध्यान इसके तरफ गया है। और आने वाले टाइम में अगर आप आज डायटोसिल इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं तो आने वाला टाइम जो है पूरे इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड जो है आपके नेटवर्क के अंदर होगा, आपका बिजनेस इतना बड़ा तब तक हो चुका होगा जिसके बारे में आप सोचे भी नहीं होंगे, आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। लेकिन आप अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाइए, क्योंकि आदमी सोच भी उतना ही सकता है जितना कि वो पा सकता है। तो आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा पाएंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आज की लाइव आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन एक बार फिर मैं बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आइए, उससे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज क्या है उसका एजुकेशन जरूर लीजिए, कभी भी आप इस इंडस्ट्री से नेगेटिव फिर नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।